पूर्वर्ती मावली वल्लभ नगर में एनटीपी के एस तेजाराम प्रकरण को लेकर शिवसेना मेवाड़ संभाग ने समर सिंह बुंदेला के निर्देश पर जिला उपाध्यक्ष एवं प्रचारक उदय सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने पुलिस महानिदेशक और मुख्यमंत्री के नाम मावली एसडीएम को ज्ञापन देकर एडिशनल एसपी मुकेश सांखला को तुरंत निलंबित करने एवं कांस्टेबल बाबूलाल जाट द्वारा एडिशनल एसपी मुकेश सांखला के विरुद्ध दिनांक 2 सितंबर 2020 को जरिए ईमेल सूरजपोल था और इसके साथ ही थाने में पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक को परिवाद भेजा, उस पर एफआईआर दर्ज करने हेतु मांग की है। ज्ञापन में बताया कि कांस्टेबल बाबूलाल भवनलाल और अर्जुन सिंह को दिनांक 1 अगस्त 2020 को बिना किसी कारण जांच के तीनों कांस्टेबल को उदयपुर पुलिस लाइन भेज दिया गया था और दिनांक 3 अगस्त 2020 को कांस्टेबल बाबूलाल की लाइन में आमद होने के बाद दोपहर 4:37 पर एडिशनल एसपी मुकेश सांखला ने बाबूलाल जाट को कॉल करके धमकी भरी लहजे से आटे गूंद से पीसने व माँ बहन की गाली देते हुए लाइन में खड़े रहने की बात कही। इसके साथ ही जिसकी ऑडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, मुकेश सांखला ने तेजाराम के साथ मारपीट की और षड्यंत्र को रचा जिसका चश्मदीद कांस्टेबल बाबूलाल जाट है। जिला उपाध्यक्ष उदय सिंह सिसोदिया ने कहा कि एडिशनल एसपी मुकेश सांखला भ्रष्ट व्यक्ति हैं और तेजाराम प्रकरण में निर्दोष को फंसाने में अहम किरदार अदा किया है। एडिशनल एसपी मुकेश सांखला ने तेजाराम के साथ मारपीट की, राजकार्य पर उपस्थित कांस्टेबल को झूठे बयान देने हेतु दबाव डालना और मां बहन की गाली देना, अगर मुकेश सांखला को निलंबित नहीं किया गया जाता है तो मेवाड़ की जनता आंदोलन करेगी। ज्ञापन देने में जिला उपाध्यक्ष एवं प्रचारक उदय सिंह सिसोदिया व ग्रामवासी मौजूद रहे।